नमस्कार साथियों, आज इस वीडियो में हम जो बात करेंगे वो कुछ पॉइंट्स जो एक सिविल इंजीनियर को पता होना चाहिए, द पॉइंट्स टू रिमेम्बर फॉर ए सिविल साइट इंजीनियर। वैसे तो बहुत सारी बातें हैं जो सिविल इंजीनियर को जब वो साइट हैंडल करता है तो उसे पता होनी चाहिए, लेकिन उनमें से कुछ बातें हमने इस वीडियो में कवर करने की कोशिश की है जो आपके बहुत काम की हैं। आप हो सकता है उनमें से कुछ पता हो या सारी पता हो, लेकिन जिनको नहीं पता है उनके लिए वीडियो बहुत लाभदायक होने वाला है। सबसे पहले यदि हम बात कर लें स्टार्टिंग की, तो आपको ये जो दिख रही है स्क्रीन में, ये वर्टिकल जो बार हैं ये हैं स्पेसर्स और इन्हें हम कहते हैं चेयर्स। ये बॉटम और टॉप रैंक पोस्टमेंट को दूर दूर रखने का काम करती है। तो जो स्पेसर्स हैं वो हमें कम से कम 12 mm डायामीटर बार के ही बनाने चाहिए और एक स्क्वायर मीटर में एक स्पेसर काम में लेना चाहिए। अब आगे यदि हम बात करें तो कंक्रीट का फ्री फॉल, जो कंक्रीट गिरता है, जैसे मैं बात करूँ ये वाली जो डिस्टेंस है ये 1.5 मीटर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। इससे ज़्यादा होगी तो वहाँ पे सेग्रीगेशन का चांस बढ़ जाता है या सेग्रीगेशन होने लगता है कंक्रीट में। तो अब आगे हम देखें तो स्टील रेंफोर्समेंट की यदि बात करें तो जो बाइंडिंग वायर रिक्वायर्ड्स होते हैं जो रेंफोर्समेंट को बांधने के लिए काम में लिए जाते हैं, वो 1 मेट्रिक टन पर 8 किलो उसी स्टैंडर्ड वैल्यू है। 1000 किलो पे लगभग 8 किलो वायर आपको चाहिए। अब यदि हम बात करें थिकनेस की, स्लैब की मिनिमम थिकनेस कितनी होनी चाहिए, तो वो IS स्टैंडर्ड्स जो अपने कोड हैं उनके मुताबिक 125 mm कम से कम थिकनेस स्लैब की होनी चाहिए। अब जो रेनफोर्समेंट होता है उसमें दो तरह की बार होती हैं, आप जानते हैं, एक होती है मेन बार और एक होती है डिस्ट्रीब्यूशन बार। तो जो मेन बार हैं वो कम से कम 8 mm डाया की तो होनी चाहिए यदि SYST स्टील काम में ले रहे हैं, और यदि प्लेन बार काम में ले रहे हैं तो 10 mm की होनी चाहिए। जो ये जो रेनफोर्समेंट है ये इस तरह का, ये है मेन बार और जो ये रेनफोर्समेंट आपको दिख रहा है इस तरह से, ये हैं डिस्ट्रीब्यूशन बार। तो जो डिस्ट्रीब्यूशन रीबार्स जो हम उनको कह सकते हैं, उनका भी डाया कम से कम 8 mm होना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा 1/8 ऑफ स्लैब थिकनेस, थिकनेस जितनी है उसकी 1/8 ही ज़्यादा से ज़्यादा डायामीटर हम काम में ले सकते हैं। अब pH वैल्यू जो हम कंक्रीट बना रहे हैं उसमें जो पानी काम में लिया जा रहा है उस पानी की pH वैल्यू 6 से कम नहीं होनी चाहिए, ये एक स्टैंडर्ड वैल्यू है। इसी तरह हम बता दें आपको कि और भी वीडियो हम बनाते रहेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ और आपको साइट हैंडलिंग की नॉलेज आएगी एक्सपीरियंस के साथ। यदि एक्सपीरियंस नहीं है तो ऐसी कई बुक्स अमेजन पर अवेलेबल हैं जिनसे आप ये सारे टॉपिक्स सीख सकते हो, पढ़ सकते हो। आपको लिंक चाहिए तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर लिंक मिल जाएगा, वहाँ से भी आप देख सकते हैं, एक्सप्लोर कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपके लिए एक हेल्पफुल वीडियो साबित होगा और ऐसे वीडियोज़ के लिए आप बने रहिए इस चैनल के साथ। थैंक यू।